गाइस तो कैसे आप लोग मैं और लोग आ गए एक और मेगा रैंप चैलेंज रेस के साथ। गाइस सुनो वो बड़ी खतरनाक गाड़ी लाई है, देखते हैं डब पहले डिलीवर करती है कि क्या। मैं वही 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 बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल होने वाला है बाबा। ओए 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 X8 प्रोटो नबने ऐसी जंप मारी थी गाइस, इतनी हाई जंप, ओ माय गॉड। X8 प्रोटो ना वाकई में अच्छी गाड़ी है, मतलब जंप के हिसाब बहुत बड़ी जंप मारी थी, मुझसे भी आगे गई थी पहली जंप में। मेरी गाड़ी तो बेचारी फट गई थी, बट अब बेटा तुझे पता चलेगा डोप कितना मुश्किल और कितना आसान है गाड़ी को डिलीवर करना, पता चलने वाला है तेरे को, चलने वाला है। और ये क्या हो, रुक जा गाड़ी, रुक जा रुक जा रुक जा। ओके तो गाइस मैं आराम से लेकर जाऊंगी, बहुत जल्दी नहीं है मुझे, बार बार रिस्पॉन करके गाड़ी को ले जाने से बेटर है कि बंदा स्लो 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 लेकर चला जाए, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बहुत खतरनाक ट्रैक है। और आप देखो कितनी लंबी है, मतलब इतनी दूर से मैं आ चुकी हूँ, उसके बावजूद आगे 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 जाना है तो कितना मुश्किल सीन होने वाला है, कितना मुश्किल है। बहुत आराम से जाऊँगी मैं, बहुत ज़्यादा आराम से जाने वाली हूँ। ओके गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ जाएगी इस तरीके से, तो ट्रैक बहुत लंबी है, मतलब एक एक गाड़ी को अगर इतना मुश्किल से लेकर जाएँ तो आई थिंक 2 से 3 मिनट तो लगने वाला है एक व्हीकल के अंदर। और लास्ट प्लेयर के लिए कितना मुश्किल होगा एक गाड़ी को डिलीवर करना, अगर जो उसकी लास्ट गाड़ी रह गई है तो वो कैसे डिलीवर करेगा 30 सेकंड में। तो थोड़ा सा टफ टाइम है, बट इट्स ओके, अब गेम के रूल्स हैं तो रूल्स के साथ खेलेंगे और फुल जोश और प्यार के साथ खेलेंगे। आपकी दी ऑलमोस्ट फर्स्ट है, लेट्स सी नूब कितनी देर में अपनी X8 प्रोटो को डिलीवर करके आपकी दी को टक्कर दे पाती है। और गाइस अभी भी कितना दूर है, मैं कितना संभल संभल कर फूक फूक कर कदम रख कर आई हूँ, और एक जंप मारी मैंने और अपना जहाज पकड़ लिया मैंने एक जंप मार के, तो जहाज़ को मैं डिलीवर करूँगी बहुत प्यार और सुकून के साथ, क्योंकि जहाज़ ना मेरे साथ हमेशा पंगे करता है। मुझे ऐसा लगता है जहाज़ की और मेरी कभी नहीं हुई, नो वो अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी और मैं उसे मारने का इरादा रखती थी, बट जहाज़ का बच्चा काय रास्ता बोल गया, तू काय रास्ता बोल गया, प्रॉब्लम क्या है तुझे, क्यों रास्ता बोल गया बेटे, गलत सीन किया, नुब को मारने की कोशिश की तो ये रास्ता ही भटक भटक गया, भटक भटक सटक सटक गया। ओके अरे अरे अरे, तो गाइस मेरी वैन लुढ़क चुकी है और मैंने इसको मारा है रीस्पॉन, नुब X8 प्रोटो लेकर जा रही है और लुढ़क लुढ़क के पूरी पूरी हो गई है, नुब लुढ़क लुढ़क के पूरी हो गई है। अरे गिरना मत प्लीज प्लीज गिरा बाद, हो गए डूब गिर चुकी है गाइस, बट आपकी थी बहुत आराम से जाएगी, बिकॉज मैं एंड में जाकर गिरी थी और इतना कोई गंदा सीन हुआ था ना कि एक्स प्लान नहीं कर सकती भाई, बहन की बच्ची तारे शीशे तो बेचारी गाड़ियों के टूट ही जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि बेचारी इतना टकराती हैं कभी इधर कभी उधर, टकरा टकरा के पूरी हो जाती, टकरा टकरे मार मार के पूरी हो जाती, ऐसे जैसे कि गाय बैल बकरा हो। अरे रुक जा वैन, तो गाइस वैन गिर गई थी और रिस्पॉन मारा है मैंने वैन को, बहुत गंदा सीन था बट इट्स ओके, फिर से लेकर जाएंगे हम इस वैन को, हिम्मत नहीं हारेंगे, डिलीवर हो जाएगी और बहुत प्यार से लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो दोनों जगह पर मोटी सी जंप है और बीच में एक छोटी सी जगह है जो कि मुझे सेफ साइड लग रही है, बाकी सेफ कुछ भी नहीं है, गाड़ी तो लुढ़के ही जा रही है। नुब तू बता तेरा क्या एक्सपीरियंस है X8 प्रोटो के हवाले से, तू समझ रही थी मुझसे ज़्यादा तेज़ भागेगी, पता चल गया तेज़ भागने का नतीजा। वेल गाइस मैंने भी पहली गाड़ी डिलीवर की है, इतना ज़्यादा खुश होने की मुझे ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हार्ड है ट्रैक, बहुत हार्ड है, मतलब एक तो इतनी ज़्यादा लंबी है और सेकेंडली ये है कि गाड़ी एंड में जब जाकर लुढ़कती है बहुत मुश्किल होता है और इतना डर महसूस होता है कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि लास्ट में गाड़ी का गिरना बहुत बैड सीन क्रिएट करता है और मतलब दिल करता है कि रेस को क्विट कर दो, बट नहीं कर सकते, तो लेट्स सी क्या होने वाला है, मैं जीती हूँ या नो, क्योंकि बाजी तो कभी भी पलट सकती है और मैं भी इतना मर मर के दूसरी ही गाड़ी लेकर जा रही हूँ। अगर अब ये वैन लुढ़की ना मैं बहुत मारूंगी इस वैन को, नुब तुझे मैं बहुत मारने वाली हूँ, वैन को नहीं तुझे मारूंगी, और आप देख सकते हो मैं कितना आराम से लेकर जा रही हूँ, लाइक ब्रेक फुल टाइम दब रही है और फुल टाइम इसको एहतियात से लेकर जा रही हूँ और ब्रेक नहीं लगती कभी कभी लुढ़कने वाली लाइक ट्रैक्स के ऊपर, कभी भी ब्रेक नहीं लगती है, लाइक ब्रेक लगा लगा के थक जाओ वो नहीं लगती जब तक कि गाड़ी लुढ़कती नहीं है।
तब तक। और इस डब्बे गाड़ी को ना बहुत आराम से लेकर आई हूँ, पहली गाड़ी भी इतनी आराम से नहीं लाई थी, ट्राई अच्छा था, मतलब आराम आराम से कोशिश ही कर रही थी, लेकिन इसको जितना प्यार से लाई हूँ ना, पहली गाड़ी को भी नहीं लेकर आई थी। और मैं एंड में भी कोई पंगा नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल स्मूथली इसको डिलीवर करना चाहती हूँ। और जंप मारते आपने देखा कैसी लुढ़की है, इतनी हल्की गाड़ी है, फौरन लुढ़कती हल्की गाड़ियाँ। एज अ रियल एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकती, बट गेम के एक्सपीरियंस के हिसाब से फुल टाइम लुढ़कती हल्की गाड़ियाँ, और रियल में भी ऐसे ही होता है जहाँ तक मैंने सुना है, बस बाकी खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसको डिलीवर करके आते हैं, बहुत मुश्किलों से डिलीवर किए मैं, लुढ़क रही है एक्सेट प्रोटो लेके। और अब मेरे पास मोटे टायर वाला गाड़ी आ गया, ट्रक आ गया, छोटा ट्रक के जैसा एक ट्रक है, ट्रक नहीं लग रहा, जैसे ड्रिगोर है ना वैसी गाड़ी है समथिंग, लेकिन इस पे कवर है, ड्रिगोर पे कवर नहीं होता है, वो खुली खुली गाड़ी होती है, हवा लेते लेते जाओ, मजे करो, एसी की भी ज़रूरत नहीं है, एसी की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लाइक आपको बिल्कुल नेचुरल फ्रेश एयर मिल रही होती है ड्रिगोर में। लेकिन इसके लिए भी मैंने खास इंतज़ाम कर दिया, इसके शीशे तोड़ के आपको फ्रेश एयर मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश एयर। शीशे टूट गए इस गरीब के, सारे शीशे टूट गए, आगे पीछे से आर पार नज़र आ रहा है, आराम आराम से चलने का, धीरे 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 जाओगी गाइस, बिल्कुल सेंटर में मैंने अपनी गाड़ी का बैलेंस बनाया हुआ है एकदम सेंटर वाली लोकेशन के साथ, क्योंकि गाड़ी सेंटर से इधर उधर होगी तो फिर तो संभालना बहुत मुश्किल है, और सेंटर में रखना बेटर है, और इतना आसान नहीं सेंटर में रखना, अगरचे आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है मैगर है उसकी तो आप रख सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। आई रुक जा, रुक दे, गिरना मत प्लीज, गिरना मत, सही सही, शुक्र शुक्र, आ गई आ गई आ गई, यस यस, अरे ओ माय गॉड, एक तो एंड में गिरी गाइस, दाई बहुत बुरा लगा, अगर आपको भी बुरा लगा है ना तो अपनी दी को एनर्जेटिक करने के लिए लाइक का बटन प्रेस करो, ताकि मैं इसको आराम आराम से लेकर जाऊं, मेरे अंदर एनर्जी आएगी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ साथ, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियोस रेगुलर आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि बेल आइकन का कमाल यही होता है, मैजिक के नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा चैनल को। ओके, बहुत लंबी ट्रैक है गाइस, बहुत लंबी, और इसको लेकर जाना काफ़ी काफ़ी मुश्किल होने वाले है, काफ़ी मुश्किल होने वाले है। अरे आराम आराम से जा रही है एकदम, बहुत आराम से, और इसका भी जो शीशा है ना ऑलमोस्ट मैंने तोड़ दिया है, पहले जब मेरे पास यही गाड़ी थी तो शीशे तो उसके भी टूट चुके थे, इसका भी आई थिंक आगे वाला नहीं टूटा, बट पीछे वाला तो मुझे ऑलमोस्ट टूटा हुआ लग ही रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आर पार्ट दिख रहा है बस मुझे, तो वैसे टूट जाएगा अभी, थोड़ा बहुत लुढ़केगी ना, वो गाड़ी तो लुढ़क गई थी और टूट जाएगा, आराम से तोड़ देंगे। नोब तेरी गाड़ी डिलीवर हो गई क्या? काफ़ी देर हो गई, आई थिंक नोब ने गाड़ी डिलीवर तो कर दी होगी, और मैं भी इतनी कोई खास ज़्यादा गाड़ी नहीं लेकर जा रही हूँ, तीसरी गाड़ी है मेरी भी, और कितना लेट डिलीवर किया, मतलब जो इससे पहले वाली गाड़ी की थी अभी अभी गिरी थी, वो भी इतना आराम से लेकर गई थी, कितना पेशेंस है आपकी दी के अंदर, कितना ज़्यादा, ओ माय गॉड, कितना, वरना मेरा दिल कर रहा था गाड़ी से उतर के गाड़ी को तोड़ फोड़ के बॉम्ब लगा के ब्लास्ट कर दूँ, खुद गिरा दूँ मैं, बट कोई बात नहीं, रेस करनी है तो फिर जीतने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है ना, मेहनत तो करनी पड़ती है। और दो जंप्स के बाद ना आपकी दी तो लंबा जंप लगा ही देती है, और फाइनली ये गाड़ी डिलीवर हो गई है, इसको प्यार से लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके साथ सीन क्रिएट हो गया था, और नुप इधर, अरे आराम से लेकर जा रही थी, बड़े मज़े से लेकर जा रही थी, और पहुंचने वाली गई नुप, क्योंकि बिल्कुल एंड तक पहुंच चुकी थी, और मेरा जहाज़ धुआंधार हो गया था, जहाज़ का आप देख सकते हो सारा ख़राब हो गया, जहाज़ ख़राब हो गया मेरा, जल्दी से डिलीवर हो जा, बिना जले बिना फटे, कमान, थैंक गॉड गाइस, मेरा जहाज डिलीवर हो चुका है, और अब मैं इसको मस्त तरीके से लेके जाऊंगी, गाड़ी को रिस्पॉन मारा, क्योंकि रिस्पॉन करना ज़्यादा बेटर होता है, और ये तो अच्छे तरीके से जाने वाली है, अच्छे से, प्लीज़ गिरना मत, थैंक गॉड गाइस, ऐसी बढ़िया ग्रिप बनाई है इस गाड़ी ने, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, माय गॉड, इतनी बढ़िया ग्रिप, माय गॉड, कोई बात नहीं, चलता है, ओके, तो ग्रिप बनाई हुई है, तो इसको बीच में ग्रिप बना कर लेकर जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, अगर चे हम इसकी ग्रिप नहीं बनाएंगे तो ये लुढ़क जाएगी, वैसे स्पोर्ट्स कार है, अच्छी कार है, स्पीड से चल रही है, इसकी आवाज़ बता रही है कि कितनी मस्त, कितनी कूल गाड़ी है, कूल कूल,
ओके तो नोब कितना दूर रह गई है तू, तेरी गाड़ी डिलीवर हो गई गाइस। नोब ने एक्सिट प्रोटो डिलीवर कर दी है और दूसरी गाड़ी लेकर आ रही है जो कि वैन होने वाली है, और वैन भी इतना आसानी से नहीं जाने वाली। वैन ने भी बड़े ड्रामे किए थे और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही किए थे, तो जो भी गाड़ी पहली बारी में ड्रामे करना शुरू हो जाए ना तो मतलब पक्का है कि आपको तंग करने वाली है। अगर जब थोड़े से भी प्रो हो ना, तो थोड़े से भी प्रो हो तो फिर तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर जब थोड़े ज़्यादा नूब हो ना तो फिर काम नहीं बनने वाला है। गाइस आप लोग हमारे साथ खेल सकते हो, और हमारे साथ खेलने के लिए आपने हमारा क्रू बीस्ट चैलेंज ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लोगे तो उसे ज़रूर वॉच कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमारी बीस्ट चैलेंज क्रू का कैसे हिस्सा बनना है। कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको सही से समझ में आए, और रूल्स रेगुलेशन अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो कई इसी बात के ऊपर मैंने गाड़ी डिलीवर कर दी और बहुत सुकून के साथ डिलीवर की है। तब से अच्छी है ना मुझे ये वाली गाड़ी लगी है, क्योंकि ये बिल्कुल रिलैक्स होके गई है और ज़्यादा तंग भी नहीं किया। और आई डोंट नो कि मैंने इसके मिरर तोड़े थे या नहीं, मुझे याद नहीं, कमेंट सेक्शन में आप बताना, बिकॉज जब वीडियो आएगा तो आप देखकर ही बता सकते हो, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में बताना मैंने मिरर तोड़े थे या नहीं। अभी तो मेरे पास रॉकेट वोल्टिक है, अब तो हवाओं में उड़ने का समय आ गया है, हवा में उड़ उड़ के जाने वाली हूँ, और मुझे ये रुलाना नहीं। गुड जॉब, अच्छी जगह के ऊपर इसका ब्रेक लग गया। ओके ब्रेक तो बड़ा अच्छी जगह पे लगा है, लेकिन अब ये बहुत स्लो जाने वाली है। अगर मैंने बूस्टर मारा तो ये दाएं बाएं चली जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग का जो लम्हा था उस पे बूस्टर मारना ठीक था, बट आई डोंट थिंक सो अभी ठीक रहेगा। राम राम से जाना पड़ रहा है, ओ माय गॉड कितना स्लो, माय गॉड जाना पड़ रहा है, वरना रॉकेट वोल्टिक में मैं स्लो कभी भी नहीं जाती, कभी भी नहीं। ओ माय गॉड आपकी थी इतनी चुलबुली, अब भी लगाती बूस्टर और निकल जाती, बट इतनी लंबी ट्रैक है, रिस्क लेना ना मेरे लिए थोड़ा खतरे वाला हो सकता है। एंड में लगा लूँगी जब कुछ जंप्स बचेंगी, अब भी खतरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रैक पतली है और दोनों तरफ से अजीब व गरीब है, बीच में से थोड़ी ग्रिप है, ख़राब हो जाएगी ग्रिप। ऑल राइट बस मैं पहुँचने वाली हूँ ज़्यादा, थैंक गॉड दूर नहीं है, और ये वाला बिल्कुल राइट टाइम था इसका बूस्ट लगाने का। क्या बात है ना गाइस, आपके दिन कितना प्यार से बूस्ट लगाया कि किसी को पता ही नहीं चला, बेचारी रॉकेट वोल्टिक को भी नहीं पता चला होगा कितने प्यार से बूस्ट लगाया। ए डोबना गाइस गाड़ी डिलीवर कर चुकी है और वैन लेकर जा रही है। डोबा वैन ना अब तो उसे डिलीवर नहीं होने वाली है, अगर डिलीवर हो गई ना तो काफ़ी देर बाद होने वाली है, लाइक 3-4 बार तो गिराएगी फिर तो ले ही जाएगी। मेरे से भी 2 बार तो गिरी थी, और वैन इतनी हल्की है ना कि उसके लिए तो बहुत सुकून से जाना ज़रूरी है। और ये मेरा जहाज़ पता नहीं कहाँ भटक जाता है भाई, तू चैन नहीं है क्या, तुझे चैन नहीं है क्या, क्यों गायब हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है तेरे साथ, अरे प्रॉब्लम का है भाई। ओके गाइस अभी भी गाड़ी ऑलमोस्ट अच्छी आई है, और प्लीज़ अच्छी की बची गिर गई। तो गाइस एक बार फिर से मैंने गाड़ी को रिस्पॉन मारा है, और गाड़ी को प्यार प्यार से लेकर जाएंगे, क्योंकि प्यार की ज़बान मानने वाली गाड़ियों को प्यार से लेकर जाया जाता है, और जो गाड़ियाँ प्यार से नहीं मानती हैं उन्हें मार मार के लेकर जाया जाता है। अरे चल 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 टूट जा सारे शीशे टूट जा, वैसे भी मैंने नए लगवाने थे, मुझे अच्छे लग भी नहीं रहे थे, एकदम खतरनाक काले कलर के डार्क शीशे होने चाहिए। ओके मजाक कर रही हूँ। तो गाइस जल्दी जल्दी इसको लेकर जाते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो इतनी देरी मत करो गाइस। अगर आप लोगों को नूब की गेमिंग अच्छी लगती है तो नूब के लिए सब्सक्राइब करो, और आपकी दी की गेमिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो। अगर ज़्यादा लाइक आते हैं इस वीडियो पर तो मतलब आपको मेरी पसंद है, अगर ज़्यादा सब्सक्राइब आते हैं और ये नूब लुढ़क के गई तो मतलब आप लोगों ने नूब को सपोर्ट किया है, और दोनों में से आप किसी को भी सपोर्ट करोगे गाइस हम लोगों के लिए, दोनों के लिए ही खुशी वाला लम्हा होगा, बिकॉज हम दोनों ही इस चैनल को ओन करते हैं और हम यही चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ना गाइस हम आगे नहीं जा सकते। तो सपोर्ट आप लोग करोगे, आप लोग जल्दी जल्दी हमारी फैमिली का हिस्सा बनोगे तो मज़ा आएगा, और मज़ीद हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी। ओके बिकॉज गाइस हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की है, और ओवरऑल 1 साल से हम दोनों बिना किसी प्रॉफिट के इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करते हैं कि बस आप लोग इंटरटेन हो जाओ, खुशी का लम्हा महसूस करो, खुशी महसूस करो। वैसे गाइस किस किस की समर्स वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बातें करते करते शुरू करेगी प्यार से आ गई है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि इस गाड़ी को डिलीवर करना थोड़ा बोरिंग है, बिकॉज बहुत स्लो लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो। तो मैंने सोचा कुछ गपशप कर लेते हैं, तो गपशप के दौरान वक्त का पता नहीं चलता, अरे आप बड़े से बड़ा काम कर जाते हो। ओके, तो प्लेन लेकर जाते हैं और आराम से लेकर जाएंगे, बहुत आराम से। सूरज भी कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी बादल थोड़े थोड़े आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, मतलब हमें बता रहे हैं कि मौसम अपना अपना बदल सकता है और बारिश भी हो सकती है, बट फील तो नहीं हो रहा बारिश वाला, ये सारा ब्लू ब्लू लग रहा है आसमान, तो सूरज को खुश फहमी हो गई लग रहा है। ओके गाइस, तो जहाज़ डिलीवर करने के बाद आज तो बड़े प्यार से जहाज़ डिलीवर हो रहे हैं, इतने प्यार से मेरे जहाज़ कभी डिलीवर नहीं होते, इतना मेहरबान जहाज़ मुझ पर नहीं होते हैं, जहाज़ तो हमेशा मुझसे पंगा पंगा लेते, पंगा पंगा पंगा, अरे पंगा ना ले पापड़ वाले, सीधा चल ले गाड़ी को लेकर, सीधा चलो। तो गाइस ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों का ना शीशे तो मैंने तोड़े ही तोड़े हैं, बिकॉज आपकी दी के हाथ में कुछ नहीं है, गाड़ियाँ बेचारी लुढ़के जा रही हैं और आपकी दी बेचारी क्या करे। तो ओके ओके, आराम से, बिल्कुल आराम से, मुझे ऐसा लग रहा है वो गाड़ी जो कि फ्रैंकलिन चलाता है, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन के बच्चे किधर है तू। वैसे आपको ऑनलाइन के अंदर फ्रैंकलिन नहीं मिलता, वैसे है तो सही फ्रैंकलिन के ऑनलाइन वाले मिशंस, इतना तो मुझे मालूम ही है। ओके, GTA मैं भी खेलती हूँ, अरे मैं भी तो खेलती हूँ, और मैं तो खेलती ही रहती हूँ, आपको पता है। ओके नोब, क्या तूने वैन डिलीवर कर दी? आई थिंक गाइस नोब ने एम्बुलेंस डिलीवर कर दी है या नहीं किया, आई डोंट नो, बताएगी नहीं, बहरी है क्योंकि उसको ना काफ़ी प्रॉब्लम होता है बोलने में, उसका ध्यान, वो मुझे कहती है मुझे ध्यान लगाने दिया कर गेम के अंदर, मैं बात नहीं कर सकती हूँ। तो आप देखो आपकी दी के अंदर कितनी ज़्यादा लाइक स्टेमिना है, और लाइक आपकी दी मल्टीपल्स काम कर सकती है एक वक्त के अंदर, बोल भी रही हूँ और गेमिंग भी कर रही हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है कभी कभार हो जाता है, लगता है कि थोड़ी बहुत उल्टी सीधी हरकत हो जाती है, कभी गाड़ी गिर भी जाती है। और ये तो एकदम फुल प्लान के साथ मेरी गाड़ी फटी है, बिकॉज मैंने उसको मारना चाहती थी और मारना चाहती थी और मारना चाहती थी, और नब गिर गई है, वैन ही लेकर जा रही है गाइस एम्बुलेंस, दूसरी गाड़ी लेकर जा रही है नब, तू तो पूरी हो गई नब, तू जीत तो कभी नहीं सकती, अभी फ़िलहाल तो तू नहीं जीत सकती इस रेस को, तो पक्का तू हार गई है। अगर कोई गाड़ी ऐसी आ जाती है ना गाइस जिसमें मुझे भी लगेगा कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगी, तो पक्का मैं इस रेस को क्विट करूँगी, बट मैं ट्राई करूँगी इसे जीतने की। एंड ओह माय गॉड गाइस, लास्ट व्हीकल है ये, लास्ट व्हीकल होने वाली है, तो अब तो डिलीवर करना बनता ही है, और अब बताएंगे नब को कि बताओ कौन है नुब और कौन है प्रो, बोल दीवार के शीशे गोलम गोल, कौन है प्रो और कौन है नुब, शीशा बोलेगा आप ही हो, आप ही हो मालकिन, आप ही हो सबसे सुंदर और प्रो, आप ही हो। ओके, वो बोटे बोटे टायर है, थोड़ी बेइज्जती भी करा सकता है, तो इसको भी प्यार से लेकर जाते हैं, बिकॉज गाइस जिस गाड़ी को प्यार से लेकर गई हूँ ना वो इज्जत के साथ चली गई है, लेकिन जिस गाड़ी के साथ मैंने बदतमीजियाँ की है ना और ज़बरदस्ती की है, वो लड़क लड़क के पूरी हो जाती है। तो वैसे मैंने इस ट्रैक के अंदर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, और वो था सेंटर, सेंटर लाइन को कवर करना है और सेंटर में गाड़ी रखनी है, बिकॉज साइडों पे गाड़ी जाएगी लड़क जाएगी, तेज़ जाएगी, नहीं बचने वाली है, ट्रैक बहुत ख़तरनाक है, आप देख सकते हो। नुब अभी तक नुब सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी ही डिलीवर कर रही है, दूसरी गाड़ी सॉरी एम्बुलेंस को डिलीवर कर रही है, तो कितना हार्ड होगा ये। नुब रेगुलर बेस पे मेरे साथ रेसिस करती है और उसके लिए कितना टफ है, तो जो लोग रेगुलर प्ले करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल, जो लोग रेगुलर प्ले नहीं करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क है, ट्रैक बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड मतलब इतना आसान नहीं है करना। आपकी दी ने कर लिया दिमाग चला के, आपको पता है आपकी दी प्रो है, तो ट्राई करती रहती है, अच्छी अच्छी ट्राई मारती रहती है, नई नई चीज़ें करने का ना आपकी दी को बहुत शौक है, हर बार कुछ नया नया नया। ओके गाइस, विनिंग फ्लैग इतना दूर क्यों है तुम मुझसे, क्या प्रॉब्लम है तेरी, पास क्यों नहीं आ रहा, एंड में रखा है ऐसे कि जैसे गाड़ी को जंप लगानी है बिल्कुल एंड में गिरने वाली, बस अब तो मैं पहुंच गई। तो गाइस मैंने ये रेस कंप्लीट कर लिया, मुझे लग रहा था कि ऐसी गाड़ी ना आ जाए कि मुझे क्विट करना पड़ जाए, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि इतना मुश्किल सिचुएशन हो जाता है और आप नहीं हैंडल कर पाते हो। तो गाइस विनिंग फ्लैग मेरे बिल्कुल पास पास है, तो आपकी दी जीत चुकी है, और नोब अभी तक एम्बुलेंस लेकर लड़क रही है गाइस, अब उल्टी एम्बुलेंस लेकर जा रही है नोब, क्या बात है। तो नोब के पास 16 सेकंड है
और आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस बार बार आपको बोल रही हूँ लाइक कर लो, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं तो होपफुली कि आप लोग लाइक कर दोगे। तो विनिंग टॉस सबके लिए था, आप मिलेंगे नेक्स्ट रेस में एक और अच्छी सी रेस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड